हेलो एवरीवन, नेमत के किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है चिकन अंगारा। ये बनाने में बहुत आसान होता है, लेकिन इसका मज़ा बहुत ही ख़ास होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को दो बार मैरिनेट किया है। पहला मैरिनेशन सोया सॉस, सिरका और कश्मीरी रेड चिल्ली के साथ 12 घंटे पहले किया है, और दूसरा मैरिनेशन के लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून केचप, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, सॉल्ट और जीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। साथ ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी इस्तेमाल किया है। दूसरे मैरिनेशन को पकाने से 15 या 20 मिनट पहले कर लेना है, और आप देख सकते हैं कि एक थिक मसाले की कोटिंग इसके ऊपर आ चुकी है। अब 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबल स्पून घी को गर्म करके उसमें लौंग, इलायची और दालचीनी का बघार डालना है। जैसे ही तेल खुशबुओं से इन्फ्यूज़ हो जाए, इसमें 3 मीडियम साइज का प्याज ऑमलेट के प्याज की तरह चॉप करके डाल दें, और लगातार चलाते हुए इसे पिंक गुलाबी होने तक तल लें ताकि ये क्रिस्प हो जाए। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ पर 1 kg का बहुत ही टेंडर सा चिकन इस्तेमाल किया है, जो बहुत जल्दी गल जाता है। साथ ही मैंने घर में बनाकर गरम मसाला इस्तेमाल किया है। बाहर वाले गरम मसाले बहुत ही सब स्टैंडर्ड और सस्ते मसालों से बनाए जाते हैं, और मैंने जो गरम मसाला बनाया है उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री और स्टार एनिस का इस्तेमाल हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां पर आपको मसाले के और परफेक्ट मेज़रमेंट का की रेसिपी मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। अब जो मैरिनेट चिकन थे वो हमें प्याज में डाल देना है, क्योंकि प्याज अच्छी तरह गुलाबी हो चुका है। अब इस प्याज के साथ चिकन को हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर फ्लेम को हमें तेज़ कर देना है, और उलट पलट करते हुए तेज़ फ्लेम पर इसे इतनी देर पकाना है कि चिकन, टमाटर और दही अपने सारे जूसेस रिलीज़ कर दे, ताकि चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें अदरक और लहसुन भी इस्तेमाल किया है, सो उन्हें भी इस तेल में फ्राई होते ही हुए ही भुना जाना है। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करें और तेज़ आंच पर ही फ्राई करें, वरना चिकन जल्दी गल जाएगा और मसाले कच्चे रह जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि चिकन कितना टेंडर है कि वो स्पैचुला से ही टूट रहा है। अब चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से भुना जा चुका है, तो चिकन के गलने के लिए हम यहाँ पर 1/2 कप पानी इसमें डाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे, ताकि अब फाइनली इसकी ग्रेवी में टेस्ट और फ्लेवर रच बस जाए। देखिए, इस चिकन अंगारा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर भी इसे बहुत जल्दीबाजी में बनाया जा सकता है, और मज़ा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके लिए हम इसे 1 दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब चिकन में उबाल आ गया है, तो यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्च, धनिया की पत्ती वगैरह डाल दें। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो कुछ और मिर्चों को स्लाइसेस में भी काट कर डाल सकते हैं। एक बड़ी सी पार्टी को प्लीज करने के लिए चिकन अंगारा बहुत ही ख़ास डिश है। पकाने में आसान है और मज़े में बहुत ही लाजवाब होता है। तो अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखें, और अब हमें इसे ढककर गलाना होगा। साथ ही आप दूसरे बर्नर पर एक लकड़ी का कोयला जलने के लिए रख दें, ताकि हम उसका धुआं इसमें लगा सकें, और 10 से 12 मिनट तक ढककर पकने पर गोश्त बिल्कुल गल भी जाएगा और सूख भी जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ढक्कन हटने के बाद लगभग 13-14 मिनट में ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसमें बारी है धुआं लगाने की, ताकि ये हमारा चिकन जो है वो धुआंधार मज़ेदार हो जाए। मसाले के भुना जाने की यही पहचान है कि तेल मसालों से सेपरेट हो जाता है और किनारे निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि चिकन के किनारे पर तेल अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पर चॉप्ड धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और हरी मिर्चों को काट कर डाल दें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और फ्लेम को धीमा कर दें। यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में मुझे एक कटोरी रखनी होगी। इसके लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल की एक कटोरी बनाई है, आप कोई सी भी कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंच को धीमा कर दें और बीच सेंटर में
वो कटोरी डाल दें और इस पर जलती हुई लकड़ी का कोयला डाल दें और कोयले के ऊपर आप बटर, घी या मस्टर्ड ऑयल डालें, इससे धुआं उठेगा। अब इस धुएं को भटकने ना दें, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दें। इस धुएं की वजह से चिकन में एक तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा, जिससे चिकन में बिल्कुल होटलों वाली फ्लेवर जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप चिकन को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। अब ढक्कन को हटा दें, कढ़ाही को ठंडा होने दें और जलती हुई कटोरी को किसी सुरक्षित जगह पर उठाकर रख दें। अब आप गोश्त को चेक कर सकते हैं। देखिए, इकट्ठा होने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेंडर और जूसी बनेगा। और हो भी क्यों ना, मैंने इसमें दही और टमाटर इस्तेमाल किया है और ये दोनों चीज़ें ही चिकन की टेंडराइज़र हैं। अब आप इसे चेक करके देख सकते हैं कितना टेंडर और कितना सॉफ्ट है। मैरिनेट चिकन की यही खूबी होती है। अगर आपके पास समय कम हो तो दोनों मैरिनेशन एक साथ कर लें और कम से कम एक घंटा तो मैरिनेट होने ही दें। तो इस तरह से चिकन अंगारा आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत आसान लगेगा और जब एक बार आप ये बना लेंगे तो बार बार आप इसे बनाएंगे। तो इसे खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के साथ अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही लाजवाब सी, मज़ेदार सी डिश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।